हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पी स्क्वायर क्लासेस। और साहब, आप सब लोग कैसे हैं? माय नेम इज़ विपिन गुप्ता। चलो, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही दमदार होने वाला है। प्लीज़ नोट डाउन करने के लिए पेन पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, नोटबुक जल्दी से रख लो। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है, देख लेते हैं हमने कितना अच्छा पढ़ा हुआ है, किस बच्चों को कितना समझ में आया। मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, पहले हम उनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं। चलो, हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं आज का। आज का पहला न्यूमेरिकल है इफ एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस वाई, इफ एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करवा रहा है? डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए? डी वाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है। इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आओ हम लोग देखते हैं एक बार। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल की क्या ट्रिक है, वन प्लस वाई स्क्वायर रूट, इस क्वान्टिटी को हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं और ये नेगेटिव के साथ हो जाएगी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट, दोनों के खत्म हो जाएंगे, स्क्वायर रूट दोनों के खत्म हो जाएंगे सिंगल पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर इनको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस की क्वांटिटी आएगी, आपको एक्स स्क्वायर वाई प्लस का मिलेगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसमें तो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट था, बस हमने वर्क क्या किया, इंपॉर्टेंट एक ट्रांसफर कर दिया एक क्वांटिटी को, बस यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। और एक छोटा सा फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ से मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे हो गया, कुछ गलती हो गई है, एक्स स्क्वायर मिलेगा और ये वाई स्क्वायर, ये सिंगल क्वांटिटी हमारे पास है, यहाँ से मैं एक्स वाई अगर कॉमन लेता हूँ तो एक्स माइनस वाई आपको मिलेगी, एक्स माइनस वाई दोनों अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाहर मिलेगा इज इक्वल टू जीरो, ये क्वांटिटी मिलेगी। अच्छा, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाए या तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए, उन दोनों में एक क्वांटिटी जीरो होनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, एंड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई, ये इन्फॉर्मेशन क्यों लिखी गई है, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई है ताकि ये क्वांटिटी आपकी जीरो ना हो सके, इट मीन्स ये आपकी जीरो नहीं है तो इसको जीरो होना पड़ेगा। और यहां से अगर मैं वाई कॉमन ले लेता हूं तो वन प्लस एक्स मिलेगा, और इस एक्स को ट्रांसफर करके माइनस एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ से वाई की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है क्लास, वाई की जो वैल्यू नजर आ रही है मुझे माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स, और इसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर के पार्ट को हम लोगों ने नोमिनेटर में शिफ्ट किया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होता है, मैं माइनस वन लिख देता हूँ, फॉर्मूले का माइनस नोमिनेटर की क्वांटिटी को लिखना है तो माइनस एक्स लिखना है तो प्लस हो जाएगा, और वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन होगा। अब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ये माइनस वन लिखा, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ट्रिकी क्वेश्चन से बोर्ड में कई बार आया हुआ है, प्लीज आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल भी ठीक है इसका, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास आज के लिए वो बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ आप लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते रहें और इन न्यूमेरिकल्स को करते रहें। अगला न्यूमेरिकल क्या है, इफ इफ वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है एंड प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और प्रूव करके क्या देना है, प्रूव करना है प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट,
ये क्वांटिटी आपको प्रूव करके देनी है। इस क्वांटिटी को कैसे प्रूव करेंगे अभी बात है। अभी ट्रिकी क्वेश्चंस क्यों है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस ये है कि माइंड में क्या आएगा इस न्यूमेरिकल को देखते ही। यहाँ पर मैं एक्स को क्या लेट कर सकता हूँ, वाई को क्या लेट कर सकता हूँ, साइन और कॉस ही लेट किए जा सकते हैं, आपको ये माइंड में तो पक्का है, क्योंकि 1 - x² है, तो 1 - x² है तो 1 - sin² का फॉर्मूला हो सकता है, 1 - cos² का फॉर्मूला हो सकता है। चलो चलिए ठीक है, तो लेट कर देते हैं। एक्स की पोजिशन के लिए हम लोग साइन अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं और वाई दूसरी चीज़ है कोई, तो हम लोग उसके लिए साइन बीटा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 - sin² alpha square root + 1 - sin² beta, a ब्रैकेट के अंदर sin alpha और sin beta, ये आपको मिलेगा। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, cos alpha plus cos beta is equal to a times of sin alpha sin beta। cos c plus cos d का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, वो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप लोग फोकस करें। ट्वाइस ऑफ cos c plus d over 2 ये फॉर्मूला था। फिर हम लोग लिखते थे cos c minus d divided by 2, यहाँ पर अल्फा बीटा है सी डी की पोजीशन पे, वैसे ही लिख दिया, ए लिख दिया, इसके फॉर्मूले में भी 2 आता है तो मैंने 2 लगा दिया। फिर आता है cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इन टू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये रिजल्ट मिलेगा। cos अल्फा प्लस बीटा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये लिखा है cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये लिखा है साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, मतलब ये बीच का जो एंगल है यहाँ पर दोनों में एक ही है, तो मैं इसको एक साथ cot अल्फा माइनस बीटा, इसको बीटा थोड़ा सा बड़ा कर लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए, ये कॉन्स्टेंट है, आप लोग समझ गए होंगे इतना। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड 2 उसकी पोजीशन पर मैं क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स ए लिख सकता हूँ, ये cot इनवर्स ए हो गया। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इतने स्पेस में हो जाएगा न्यूमेरिकल। अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा उसकी वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ cot इनवर्स ए। अल्फा की पोजीशन पे आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cot इनवर्स ए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट के साथ, और इसका डेरिवेटिव भी यही होगा पर वाई आ जाएगा, और साथ में टी वाई डी एक्स भी आ जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट इसका जीरो आ जाएगा। आप डी वाई डी एक्स को निकालेंगे तो ये क्वांटिटी ट्रांसफर होकर इस साइड आ जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नॉमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी, आप देखेंगे ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको भी आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें प्लीज। अगला न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, आप जब भी लेक्चर को देख रहे हैं प्लीज़ आपके पास नोटबुक होने चाहिए, पेन होना चाहिए, और इनको बहुत ध्यान से फोकस करें, और जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं उन पर घर पर बहुत प्रैक्टिस करो, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सर्च करो, उनकी प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प करूँगा, बस आप पढ़ाई करो अच्छे से। आज का न्यूमेरिकल थर्ड है, tan इनवर्स 4√x 1 - 4x, कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इसका डी वाई डी एक्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ये न्यूमेरिकल देखने में थोड़ा सा आसान ही लग रहा होगा कुछ बच्चों को, तो जिन्होंने किया होगा, अदरवाइज एक छोटा सा ट्रिक है इसमें। क्या ट्रिक है, अगर मैं टैन इनवर्स 2 × 2√x लिख दूँ कुछ, और 1 - 2√x का होल स्क्वायर कर दूँ, अब इसकी लुकिंग कुछ जानी पहचानी लग रही है, देखो कैसे, 2 tan θ over 1 - tan²θ, इट मीन्स आपके सामने जो रिजल्ट नजर आ रहा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट एक्स अगर लेट किया जाएगा तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan θ over 1 - tan²θ एंड tan इनवर्स tan 2θ, और ये आपको मिलेगा 2θ। तो y की वैल्यू 2θ आ चुकी, तो ट्वाइस ऑफ थीटा की पोजीशन यहाँ से निकालेंगे, उसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2√x, और इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं, dy/dx 2 रह जाएगा, tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/1 + समथिंग का स्क्वायर, इट मीन्स
2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ओनली 4x आएगा, बट इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट x का होता है 1 ओवर 2 दिस स्क्वायर रूट। सो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x ब्रैकेट 1 प्लस 4x, ये आपका फाइनल आंसर है आज का। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। अगला न्यूमेरिकल फोर्थ, वो भी मैं लेता हूँ, वो अच्छा न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स आज तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब है, प्लीज़ कॉपरेट करें और लेक्चर्स को बहुत ध्यान से फोकस करें। ठीक है, अगर कोई डाउट बनता है इतना पढ़ाने के बाद तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं समझ जाऊँगा कि क्या कमेंट आया, तो मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूँगा, टेंशन नहीं लेना इस बात में बिल्कुल भी। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है, वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड 2, ये लिखा हुआ है। इसका मुझे डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। अगर मैं यहाँ पर x की पोजीशन पर कॉस थीटा पुट करता हूँ, देखो ये माइंड में क्यों आया मेरे, 1 प्लस कॉस थीटा अगर मैं एंटर करता हूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा एंटर करता हूँ तब भी फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आएंगे, ये 2 वेट कर रहा है और ये कटिंग हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप देखो क्या होने वाला है, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट के अंदर ही है और ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको मिलेगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 2, दोनों में मैंने कॉमन ले लिया है, ये छोटा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 मतलब स्क्वायर रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया है, ये पार्ट आ गया माइनस, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा ओवर 2, डिवाइड में क्या मिलेगा आपको 2 ये मिलेगा। इस क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 जो होता है वो रूट 2 का स्क्वायर है। आप ऐसे देख सकते हैं 2 की पावर 1 या 2 की पावर 1 बाई 2, 1 में से 1 बाई 2 जब बाहर जाएंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा। इट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 ओवर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 ओवर रूट 2 साइन थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ से आपको क्या रिजल्ट नजर आ रहा है, ये बन सकता है साइन पाई बाई 4, इसको मैं लिखूंगा साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये लिखूंगा कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा बाई 2। अभी फाइनल रिजल्ट बन चुका है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये वाई है आपके पास। अब आपके पास वाई का रिजल्ट क्या मिल चुका है, वाई का रिजल्ट मिल चुका है वाई इज इक्वल टू पाई ओवर 4 माइनस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 थीटा की पोजीशन आएगी कॉस इनवर्स एक्स, डी वाई डी एक्स अगर आप सॉल्व करोगे 0 माइनस 1 बाई 2, कॉस इनवर्स का निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, क्या पॉइंट समझ में आया, ये काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी सारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अपन आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो बेसिक से छोटे 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 फॉर्मूले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू ई पावर एक्स देन डी वाई डी एक्स इज ई पावर एक्स, इफ y इज इक्वल टू ए पावर एक्स देन डी वाई डी एक्स इज ए पावर एक्स लॉग ए टू द बेस e, एंड y इज इक्वल टू लॉग एक्स देन डी वाई डी एक्स इज 1 ओवर x, if y is equal to log x to the base a then dy dx is 1 over x log e to the base a। ये आपके पास चार बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है। अच्छा देखो यहाँ पर बेस कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब e लिखा होगा, या तो l log x लिखे या ln x लिखे जिसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, समझ में, या बेस e लगा दे, उस सभी के आंसर होते हैं 1 over x। लेकिन अगर e के अलावा कुछ और है तो मतलब बेस कुछ a हो सकता है, तो आंसर आएगा log e टू द बेस a। इस बात को आप बहुत अच्छे से देखें, ये चार फॉर्मूले इसके बस, और एक्सरसाइज एंड।
हाँ, इस एक्सरसाइज में हो सकता है कि एक लॉग की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आ जाए, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी का, तो इस टाइप का एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू एक्स होती है। आप ये बोलें, अगर कहते हैं आप ए लिखा हुआ है तो एक्स बेस ए होना चाहिए, तब भी ये हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है लॉग की, और ये यूज हो सकती है। लॉग बोलो एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर है लॉग, तो मैं दोनों एक साथ अगर बोल देता हूँ तो चले जाएगा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं इसके। सपोज एक बेसिक से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से न्यूमेरिकल क्या हो सकता है? सपोज आपके पास लिखा है वाई इज इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स एक्स, कुछ मैंने थोड़ा सा ट्रिकी ले लिया, इस टाइप का न्यूमेरिकल है, तो डी वाई डी एक्स आप क्या लिखोगे? आपने इसको टी लेट किया होगा, तो ई की पावर टी हो गया। ई की पावर टी का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर टी, तो वही आपने लिख दिया मल्टीप्लाई। जो इसको आपने टी लेट किया उसका फिर से डेरिवेटिव करना है, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता है। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, बड़ा इजी है। अब कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास, लॉग ऑफ लॉग एक्स। मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करता हूँ। अब देखने जरा, मैंने किस क्वांटिटी को टी लेट किया होगा? इस क्वांटिटी को टी लेट किया होगा, बेस में क्या है? ई है, तो आंसर देखा कैसे लिखूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर समथिंग, तो समथिंग की पोजिशन तो कुछ भी पूरा आ जाएगा। फिर log x, क्योंकि t है ये, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ओवर x आएगा, तो फाइनल आंसर आ चुका है। अब आप देखेंगे इसी के पैटर्न को मैं आगे फॉलो करता हूँ। अगर सपोज दैट मैंने यहाँ लगा दिया 5, क्योंकि मैंने बेस a लगानी है, तो 5 लगा दो, 10 लगा दो, 7 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैंने log x ही लिखा, तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग समथिंग और बेस a, इसका डेरिवेटिव मैंने क्या बताया? 1 ओवर समथिंग, 1 ओवर t, जो भी आप कह लो। फिर साथ में क्या लिखते हैं? इनटू लॉग ई टू द बेस ए, ये आपके पास फॉर्मूला है, आप चेक कर सकते हैं, आपने जो फॉर्मूला लिखा होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि नोटबुक उठा के सॉल्व करके न्यूमेरिकल्स को देखो अच्छे से, ठीक है? तो ये आ गया इसका पार्ट। अब जिस क्वांटिटी को आपने टी लेट किया तो उसका 1 ओवर एक्स होता है, तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है आपको? फाइनल आंसर की लुकिंग जो बन चुकी है, एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, लॉग ई टू द बेस 5 यहाँ पर है, और लॉग एक्स ये पार्ट है, ये आपका आंसर आ चुका है। और मेरे पास एक और क्या न्यूमेरिकल बन सकता है? आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो y इज इक्वल टू log, पहले तो मैंने बेस ee रखा है, यहां पर 5 लिखा है, अब मैं 5 की पोजीशन को चेंज करता हूं। अब मैंने 5 की पोजीशन को चेंज किया, मतलब मैंने बेस को चेंज किया, इसके अंदर बेस बनाया, तो अब डी वाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको? log समथिंग का आंसर होता है 1 ओवर समथिंग, जो कि आ गया। और साथ में मुझे कुछ नहीं लिखना है, साथ में मुझे अभी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर बेस ई है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर एक्स। लॉग टी का डेरिवेटिव 1 ओवर टी, टी की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ई टू द बेस 5। आप चेक करें जो ये आंसर है और जो ये आंसर है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है क्या? यस, जो बेस नजर आ रही है उस बेस में चेंजिंग है। आप लुकिंग देखना चाहते हैं? लुकिंग वैसे ही दिखाता हूं आपको। लॉग ई टू द बेस 5 और यहां लिखा है x, और ये लिखा है log x टू द बेस 5। आप इस पार्ट और इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखें। देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको? बेस 5 और यहां पर बेस e है, लिखा नहीं है मतलब e है। अच्छा, एक पैटर्न और हो सकता है कि दोनों की पोजीशन पर 5 5 हो जाए, तो उस पार्ट को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, उस पार्ट को यहां सॉल्व कर देता हूं। क्या मिल सकता है? वाई इज इक्वल टू log बेस 5 log x बेस 5, ये न्यूमेरिकल बन सकता है। इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है? डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग समथिंग टू द बेस ए, आंसर क्या होता है? 1 ओवर समथिंग, 1 ओवर समथिंग, बेस ए है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लॉग ई टू द बेस लिखना पड़ेगा 5। लेकिन जो टी है उसमें खुद भी बेस लिखी हुई है, तो आंसर क्या आएगा? 1 ओवर एक्स आएगा लॉग का, और इनटू लॉग ई टू द बेस 5 आएगा। तो मतलब आपके पास जो रिजल्ट नजर आ रहा है अब, फाइनल रिजल्ट वो आ रहा है 1 ओवर एक्स लॉग एक्स टू द बेस 5 एंड लॉग ई टू द बेस 5 होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है आपका। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल हैं, तो प्लीज आप इन पर फोकस करें, ठीक है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल कुछ और भी है मेरे पास। चलो एक न्यूमेरिकल है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई पावर x।
इस टाइप का न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, डी वाई ओवर डी एक्स लॉग समथिंग बेस ई नजर आ रही है, आएगा आंसर वन ओवर समथिंग आ गया। लेकिन कॉस का आंसर क्या होता है, माइनस होता है साइन के साथ, ये भी आ गया। लेकिन ई की पावर एक्स का, फिर से ई की पावर एक्स, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो टेन ई की पावर एक्स, क्योंकि कॉस समथिंग साइन समथिंग कॉस समथिंग टेन देता है मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। अब मैं ले लेता हूँ टेन इनवर्स से रिलेटेड, टेन इनवर्स ई पावर साइन एक्स, इस टाइप में लिख देते हैं। तो इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स टेन इनवर्स टी, आंसर क्या होता है वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर, इट मीन्स इस पूरे पार्ट का स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करना है, जो ये पार्ट है इसका फिर से डेरिवेटिव, तो इट मीन्स ई की पावर साइन एक्स ही रहेगा। अब साइन एक्स का फिर से करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये स्प्लिट होता चला गया। अब आप थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते हैं तो कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स डिवाइडेड वन प्लस ये ई की पावर ट्वाइस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, फाइनल आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, ये आप कॉपी कर सकते हैं आप लोग। अब एक न्यूमेरिकल और है, चलो लास्ट न्यूमेरिकल है इस लेक्चर का। If, क्या लिखा हुआ है, इफ y इज इक्वल टू log of tan x देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो आपको प्रूव करनी है ट्वाइस ऑफ cosec 2x, ये आपको प्रूव करके देनी है उनको। बोर्ड का न्यूमेरिकल, ये बोर्ड में आ चुका है एक बार न्यूमेरिकल, क्लास बहुत अच्छे से फोकस करना। डी वाई डी एक्स लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर होता है वन ओवर समथिंग, और टेन का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स। अब छोटी सी ट्रिक है, टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस, तो कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन ओवर कॉस स्क्वायर, एक कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा। अगर मैं टू की मल्टीप्लाई करूँ तो टू से डिवाइड कर दूँ तो टू मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसका फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स, और ये वन ओवर साइन कॉसेक बना देता है, तो कॉसेक 2x। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, प्लीज़ कॉपरेट करें और ज़्यादा पढ़ें। आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी, मैं लेक्चर नहीं लेना चाह रहा था, बट मैंने सोचा कि ऐसे बच्चों का फिर बिगड़ जाएगी सिचुएशन, क्योंकि लगातार जो बच्चे टच में हैं अगर उनको एक बार अगर स्किप कर दिया जाए तो फिर उन डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो नहीं पढ़ते। प्लीज़ अगर मैंने कोशिश की है तो आप लोग बहुत अच्छे से कोशिश करो, और अगर लेक्चर पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।